हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी कि मैं इस पीडीएफ को पहले अपलोड नहीं कर पाया। इस क्वेश्चन आंसर को मैंने पहले अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मैं बीसीओई 144 का एग्जाम सोच रहा था कि आज है और बीसीओई 142 17 को है। 12 और 17 का जो है यहाँ पे फेरबदल हो गया। बीसीओई 142 और 144 में मुझे कंफ्यूजन हो गया, जिसके कारण से मैंने 144 पहले अपलोड कर दिया जबकि मुझे 142 अपलोड करना था। ठीक है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। आपको उसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको दिख जाएंगे, जिसको देख करके यू नो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। आप लोग नोट्स क्यों नहीं ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दो बच्चे हैं जो कि एग्जाम से ठीक पहले नोट्स ले रहे हैं, जबकि वो अगर पहले ले लेंगे तो उनके पास सफिशियंट टाइम रहेगा स्टडी करने का। तो ऐसा टाइम अपना वेस्ट मत करो। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जा रहा है ये मत वेट करो कि अगला डेट आएगा तो जाकर के नोट्स लेंगे। ऐसे ऐसी गलती मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत पहले ही नोट्स लेकर के रखे हैं और आराम से अपना पढ़ करके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करो कि आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े कि कल एग्जाम है कि मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में, वो मत सोचो। ठीक है, तो आप पहले से नोट्स लेकर के रखो आने वाले एग्जाम्स के। ये अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ घंटों में एग्जाम्स होने वाले हैं तो इसको रहने दो। आने वाले एग्जाम्स के आप नोट्स ले सकते हैं। 100 रुपीज पर पेपर है, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए। और अगर आप चार या उससे ज्यादा पेपर एक साथ लेते हैं तो उसकी कीमत जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज पर पेपर ही पड़ेगी, तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं बता रहा था, इस वाले सब्जेक्ट में अगर बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें नहीं डाले हैं नोट्स में, तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नोट्स में डाल के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करूंगा। इससे क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे मैंने चीजों को किया है। इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स में सिर्फ क्वेश्चन आंसर से डालता हूँ। एंड यकीन मानो, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एटलीस्ट 70%, मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 70%, कम से कम 70% आप आराम से ला सकते हो अगर आप सिर्फ थ्योरी पोर्शन करके जाओ। तो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना कि सर इसमें सम्स नहीं है, सम्स नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। सम्स को स्किप कर दो, जितने भी वहां पे थ्योरी के क्वेश्चन है। ए में मान लो 7 का ए में मान लो सम है, 7 का बी में मान लो थ्योरी है, तो थ्योरी अटेंड कर लो ना, सम्स रहने दो उस टाइम पे। बिकॉज टाइम अभी नहीं है कि आप अभी सम्स करोगे, क्योंकि क्या एग्जाम में आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई आइडिया नहीं है। हाँ, जब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज आप तो तब तक पास करके निकल जाओगे, बट ये मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे आपको बतानी थी कि आप लोगों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, बीकॉम का पेड ग्रुप है लेकिन काफी बेनिफिशियल ग्रुप है। असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑन डिमांड लेक्चर्स, इग्नू की अपडेट्स जो भी हो गई, आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह की अपडेट आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाती हैं। तो आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। और मैं चाहूंगा कि जब भी आप ज्वाइन करें तो लाइफ टाइम एक्सेस लें। लाइफ टाइम एक्सेस 300 रुपीज का है, जिसमें आपको जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएंगे जो भी हम लोगों ने वहां पे कमिटमेंट करी है। और अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो वो 10 रुपीज पर मंथ का है। 300 रुपीज इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एट ए टाइम पे करना, तो वो मंथली प्रोग्राम ले सकता है। वो भी आपको तभी पे करना है जब आप चाहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपीज पे किए तो आपको अगले महीने जो है पे करना ही है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो मत कीजिए, आपका जो जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। जब आपके पास पैसे होंगे वापस से ज्वाइन कर लेना, बट ग्रुप में बने रहिएगा ना तो आपकी स्टडी के लिए आसानी होगी। आपको पता रहेगा कि इग्नू में क्या चल रहा है, आपके कोर्सेज में क्या चल रहा है, कैसे स्टडी करनी है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से टाइम अपना वेस्ट मत करो और अच्छे तरीके से अपने स्टडी करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड सो यस, थैंक यू सो मच। एंड अच्छे से एग्जाम दो। कैसा हुआ पेपर शेयर करना। थैंक यू।